बॉस से टॉकी, कभी भी कार से गिर सकता है बॉस। कम से कम और 10-1 दिन वेट करना पड़ेगा। वैसे हमारी गाड़ी फंस गई है बॉस, हमारी हार्ली डेविडसन फंस गई है, धूल मिट्टी अंदर जाए लगेगा टाइम थोड़ा निकलने को। सब राइट कैंसिल। तो आज हमारा वैक्सीन का सेकंड डोज है गाइस। तो आज आप देख रहे हैं अभी ऑफ तो एक्चुअली ओपन होने का है, लेकिन पब्लिक वेट कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा वेट करेंगे। तो अब इनकी बारी है, अभी रजिस्टर कर रही है अपनी वैक्सीन का सेकंड डोज के लिए। सो गाइस, इनके समय में वैक्सीन खत्म हो गई, अभी देख सकते हो अंदर से नर्स वैक्सीन निकाल रही है एक्चुअली फ्रीजर में से, क्योंकि वैक्सीन का मेंटेनेंस रखना पड़ता है टेम्परेचर टाइम टू टाइम। ऐसे अब यू ही ज्यादा देर बाहर वैक्सीन नहीं रख सकते। अब आएंगी मजा बॉस, देखते क्या होता है। नर्स मैडम इंजेक्शन रिफिल कर रही है, अब देखते मजा आएगा। बॉस एक्सप्रेशन तो कुछ तो कुछ कम से कम, ये तो मतलब कमाल है, देखो एक्सप्रेशन नो एक्सप्रेशन। तो बॉस ऐसा कुछ होता है विसर्जन बॉस महाराष्ट्र में, पुणे मुंबई नागपुर ऐसा कुछ मैक्सिमम होता है विसर्जन गणपति बप्पा का। अभी देख सकते पब्लिक कितनी आई है बॉस, और ऐसे कुछ ड्रम लगे रहते हैं, ऐसे कुछ ट्रक्स आते हैं जिसके अंदर विसर्जन करे जाता है, क्योंकि यहाँ पे नदी में और ज़्यादा ज़्यादा कुएं में मैक्सिमम लोग कम करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा ट्रक आते हैं उसमें जाके विसर्जन कर देते हैं मैक्सिमम। देख सकते हो पब्लिक कितनी है, देख सकते हो ट्रक बॉस, यहाँ पे ट्रक्स आते हैं, देख सकते हो सामने आप एक्चुअल देखिए पब्लिक ट्रक में दे रही है, ट्रक जा रहा है इतना बड़ा, और ट्रैफिक देख सकते हो कितनी हो चुकी है एक्चुअल में लिटरली। तो ऐसे कुछ देते हैं, अब ऐसे कुछ चार्ज देखिए कितना पानी निकल रहा है, तो ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन बॉस ट्रैफिक तो कितनी हो गई है, लेकिन मज़ा आ रहा है एक्चुअली, काफ़ी दिनों बाद कोविड के, मतलब अभी तो कोविड का सीन शुरू है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी यार पब्लिक को इतना बाहर देख के थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, बेकार भी लग रहा है, क्योंकि अभी तो कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करना है। सीरियसली बॉस इसको क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले डॉगी गिर सकता है बॉस कभी भी एक्चुअली, क्योंकि उसको मैंने देखा बेल्ट नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है बॉस, डर लग रहा है गिर सकता है नीचे एक्चुअल में कभी भी। दिल कर रहा है उसको रुका के बोलूं पर कोई फायदा नहीं है। सुबह सुबह उठ के अगर आपको नींद में सूट के आपको ये सब दिख रहा है, तो बताए सुबह उठ के अजीब सा लगेगा, क्योंकि आपकी बाइक साथ ध्यान बाइक को देखेंगे पहले एक्चुअल में। बाइक तो सेफ है, सीमेंट हटाने को बोलता हूँ उन्हें मैं, सीमेंट से गाड़ी खराब हो सकती है एक्चुअली। 3-4 दिन पहले इन्होंने बोल चुके थे कि ऐसा ड्रेनेज का काम होने वाला है एक्चुअली बिल्डिंग में, क्योंकि ड्रेनेज की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डेंगू मलेरिया काफ़ी फैल रहा है एक्चुअली, मच्छर एंड ऑल इधर। तो ये सीमेंट के पाइप अंदर डालेंगे एक्चुअली, कवर हटा के देंगे अंदर, कुछ सीमेंट वीमेंट तो नहीं जा रहा है, मिट्टी वट्टी नहीं जा रही, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है एक्चुअली। कवर तो डस्ट फूट है अंदर, तो कोई धूल दिख नहीं रही है बॉस मुझे, क्लीन है गाड़ी एक्चुअली। काम देख के लग नहीं रहा है कि कुछ जल्दी होने वाला है ख़त्म बॉस है, मुझे लग रहा है एक्चुअली 15-20 दिन जाएंगे है, क्योंकि देखिए ना गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं, और ऐसे सीमेंट के पाइप अंदर डालने के और पूरा बाहर तक रोड तक जाएंगे। इनफैक्टली काम देख सकते हो पूरी बाइक के ऊपर धूल आ चुकी है एक्चुअली, में सब हटानी है बॉस, देखते हैं। मुझे लगा था एक्चुअली जब इन्होंने बोले थे तो मैं बाइक साइड से निकाल लूँगा, क्योंकि राइडिंग का काफ़ी प्लान था बॉस इस वीक में, लेकिन सब कैंसिल हो गया, निकालना इम्पॉसिबल। टोटल कार्स बाइक्स मोपेड्स सब बाहर रखनी पड़ी बॉस। ये देखिए कुछ ईट्स है, ईट्स क्यों आई है मे बी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका एक्चुअली। मुझे अगर पता होता था ना बॉस कि ऐसे हाल होने वाले बिल्डिंग का, एक्चुअली मैं अपने दूसरे फ्लैट में रख लेता था बाइक निकाल के एक्चुअल में यार। लेकिन देखिए काफ़ी डीप है बॉस, ये इजीली होने वाला नहीं है, मतलब 15-20 दिन के। ये रही अपनी बाइक, निकलना इम्पॉसिबल है एक्चुअल में। अभी इन्होंने सीमेंट के पाइप तो डाल दिए अंदर, देख सकते हो आप, तो ये कनेक्शन डायरेक्ट बाहर जाएगा ड्रेनेज में, अभी कुछ काम चालू अंदर। अभी जैसे छोटू वर्कर आया था बॉस, इस छोटू वर्कर ने बोला कि पप्पा ने एक्चुअली जो उनके फादर है जो काम कर रहे नीचे साइड में, तो उन्होंने कहा कि एक बार बाइक देख लीजिए सर, कैसे हमसे की गलती से कुछ लग वक्त तो नहीं गया है, कैसे कुछ डैमेज तो नहीं गया बाइक, कैसे डैमेज नहीं हुआ। सो ये वो छोटू बच्चा है जो काम कर रहा है, और ये उसके फादर है, मतलब राइट साइड में जो सामने उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कैसा अगर वैसा ना करिए, वो जिन्होंने भेजे थे एक्चुअल में। और देख सकते हो ऐसा कुछ काम चालू है बॉस, और मशीन काफ़ी बड़ी बड़ी हैमर है, मतलब गड्ढा करती है एक्चुअल में, जो इलेक्ट्रिक से चलती है। 5-6 दिनों के बॉस देख सकते हैं अंदर सीमेंट ऐसे लग चुका है, अभी इसके ऊपर गड्ढे बनेंगे या ना कुछ, तो भी सीमेंट के फ्रेम आती है वो रख के एक्चुअल में हम तो हमारी बाइक निकाल सकेंगे बाहर, क्योंकि यार काफ़ी ग्रुप देख सकते हो गाइस। अभी हमारी हार्ली डेविडसन पूरी पैक है, सब कुछ कवर है, जिसको नहीं निकाल सकते हैं। सोच रहा हूँ उसको एक कोल्ड स्टार्ट डू स्टार्ट करूँ एक बार, लेकिन डस्ट बहुत है बॉस यहाँ पे, और अगर देख सकते हो सामने कितना डस्ट और गड्ढा है एक्चुअली में, गिर भी सकती है अगर बाइन उठ लिया, अगर कुछ हुआ ना बॉस तो बाइक गिर जाएंगी वो गड्ढे में, और गिर गई ना तो बहुत महंगे स्पेयर है बहुत। तो जिधर जिधर उन्होंने गड्ढे के तरह से सीमेंट भर चुके हैं, मतलब आगे चल के देख सकते हैं इधर भी गड्ढा, ये भी भर चुका है, या फिर ये अपनी हार्ली डेविडसन बॉस क्या कर सकते हैं, निकलना इम्पॉसिबल है यार, कई राइड्स के तो प्लान बहुत दिल से। तो अभी काफ़ी दिन हो गए गाइस, अभी गाड़ी तो एक्चुअली खड़ी है, मैंने इसको कोल्ड स्टार्ट भी नहीं किया, नहीं कर सकता क्योंकि पीछे सीमेंट रखा है यार, और एकदम अगर बाई चांस अगर उसका एयर फिल्टर है जो, क्योंकि अगर मैं अगर इस बाइक को स्टार्ट करूंगा ना, इसका एयर फिल्टर है यहाँ पे, तो एयर फिल्टर इसके एयर कैच करेंगे, तो उस वजह से कैसा है एक्चुअली नहीं होना चाहता मैं इतना कुछ, एयर फिल्टर उसका शकन करे धूल मिट्टी अंदर जाए, और वैसे तो हमने KNN का फिल्टर है उसमें डाला हुआ, लेकिन फिर भी गाइस नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम वेट करेंगे, और एक्चुअल में देखा जाए तो कम से कम और 10-1 दिन वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा काम है बॉस, इसको काफ़ी टाइम लगेगा एक्चुअल में। तो
निकाल सकते हैं नहीं अभी हम। दिल तो कर रहा है इसको एक कोल्ड स्टार्ट दूं, लेकिन नहीं दे सकता ना बॉस। देख सकते हैं बॉस, ब्यूटी है बॉस, ब्यूटी। सही बताओ, ऐसे देख के गाड़ी को इतने दिनों से यार अच्छा नहीं लग रहा है अंदर। वैसे हमारी गाड़ी फंस गई है बॉस, हमारी हार्ली डेविडसन फंस गई है, टाइम थोड़ा निकलने को। सो सब राइड कैंसिल, टोटली जितने भी राइड्स का प्लान था सब कैंसिल। जैसे आप देख सकते हो ना, क्यूट से बच्चे को बिना छेड़े रहा नहीं जाता है। वैसे इतने दिन से बाइक को ऐसे देख के ना बॉस अच्छा नहीं लग रहा है अंदर, तो सोचा चालू कर सकता नहीं हो क्योंकि डस जाएंगे अंदर कार्बेटर में, फिल्टर भी खराब कर सकती है। तो लिक्विड मॉली सोचा उसके अंदर डाल के यार थोड़ा रख तो दूँ। ये लिक्विड मॉली से लास्ट टाइम टैंक फुल कराया था, पर लिक्विड मॉली डालना मैं भूल गया था एक्चुअली में, तो सोचा फिर डाल के रख देता हूँ यार जब निकलेंगे। नहीं इसका पेशल आता, पेशल आता। तो एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद देख सकते हो जब राइड के प्लान पूरे कैंसिल हो गए, पूरा सब हो गया, तो ऐसे कॉन्क्रीट हो चुका है। एक्चुअली निकाल सकते हैं बाइक अभी प्रॉपरली हम, लेकिन काफ़ी गंदगी है आजू बाजू बॉस, और मैं तो उसको सबसे पहले लेके जाऊंगा एक्चुअली वॉशिंग कराने। देख सकते हो कितनी गंदगी है आजू बाजू, ये देखिए बॉस, ये पूरा अंदर तक पूरा मतलब ड्रेनेज का काम हो गया, सीमेंट के अंदर भर रहा है पूरा। अभी यहाँ भी देखिए अपनी हार्ली डेविडसन खड़ी है, सेफ खड़ी है, लेकिन कहीं और नहीं कर सकते खड़े। मेन कनेक्शन और ड्रेनेज का लग चुका है बॉस, और देख सकते हो आप अगर दोनों तरफ से लगी होती ना बॉस, देखिए ऊपर बिल्डिंग का काम चालू है, यहाँ पे कुछ सेल्टिंग वेल्डिंग का काम चालू है, स्लैब वैप का, नीचे भी शोर ऊपर भी शोर, मतलब दोनों तरफ से बज रही है बॉस। उसको बोल लगभग वन मंथ कम्प्लीट होने पर आ जाएगा बॉस से काम को। देख सकते हो रूम उड़ा दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया, तोड़ दिया मतलब रूम को। सामान वामान तो काफ़ी पड़ा है बॉस यहाँ पे अभी भी निकालने के लिए, बाइक इजीली निकाल सकते हैं। तो गाइस अभी राइड का प्लान है नहीं, राइड का प्लान बनेगा तो स्टे ट्यून गाइस, मिलेंगे बहुत जल्दी ब्लॉक में। देख सकते हो पुरानी काइनेटिक खड़ी है, काफ़ी पुरानी एक्चुअली देखा जाए तो, और ये अपनी बाइक खड़ी है। अभी देखते कुछ प्लान करते गाइस, मिलते हैं।